दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे अजीबो गरीब हैरतअंगेज करने वाली प्रेगनेंसीज के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे तो प्रेगनेंसीज के विषय में मेडिकल साइंस ने बहुत सारी खोजें की हैं और लगातार प्रयोग भी करते रहे हैं, पर दुनिया में हमारे बीच कभी कभी गर्भधारण से संबंधित ऐसी कई सारे केसेस देखने या सुनने को मिल जाते हैं जो कि चौंकाने वाले होते हैं। कुछ प्रेगनेंसीज नेचुरल होती हैं तो वहीं कुछ प्रेगनेंसीज विज्ञान के साधनों की वजह से होती हैं। चलिए आपको थोड़ा विस्तार से कुछ और भी बताते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। नंबर एक पर है सुपर ऑक्टोमोम। जानी मानी अभिनेत्री नारलिया सुलेमान, जिनके आज 14 बच्चे हैं, जिस कारण उन्हें सब ऑक्टोमोम के नाम से जानते हैं। दरअसल शादी के बाद नारलिया के पहले से ही 6 बच्चे थे और एक और बच्चा वो चाहती थी। प्रेगनेंसीज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उनके गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो उनके 8 बच्चे निकले। दरअसल उन्होंने IVF तकनीक के माध्यम से 12 खून प्रत्यक्ष रूपी करवाए, जिनमें से 8 खून निषेचित हुए और नारलिया 8 बच्चों को जन्म दे पाई। जब नारलिया ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया तो पूरी दुनिया उसमें हैरान थी। आज नारलिया अपने 14 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में रह रही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। नंबर दो पर है अनगंडन सुपर मॉम। इस महिला का नाम है मरियम। मरियम की शादी 12 साल की उम्र में हो चुकी थी। सबसे पहले उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, फिर धीरे धीरे उनके एक के बाद एक करके 10 और फिर 20, फिर आगे जाके उनके 38 बच्चे हो गए। इतने बच्चों को संभालने में उनके पति ने तो हाथ खड़े कर लिए और वो मरियम से अलग हो गए, और मरियम ने भी एक माँ का किरदार बखूबी निभाया। अब मरियम अकेली ही अपने पूरे बच्चों का परवरिश कर रही है। इतने डेडिकेशन के बाद भी वो अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए बहुत मेहनत करती है। आज मरियम कुछ जगहों पर नौकरी करती है। आखिरी नंबर पर है एज डिफरेंस सिबलिंग्स। आमतौर पर देखा जाए तो बच्चों के बीच एज का गैप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से लेकर 11 साल तक का हो सकता है, पर एक हैरतअंगेज बात यह है कि एक महिला ने बच्चे जने, उनके 2 बच्चे हुए, पर दोनों बच्चों के एज का गैप जानकर आप लोगों का दिमाग चकराने लगेगा। ये केस जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इस महिला ने 19 मई 1956 को कलेंडा नाम की बच्ची को जन्म दिया, फिर 40 साल 185 दिन के बाद 20 नवंबर 1997 को और एक बच्चे को जन्म दिया। इस वजह से इन दोनों बच्चों के बीच का गैप 40 साल 185 दिन है। दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए।